नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नयननाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को, मेरे फोन मोबाइल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराऊं। आपको आज एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। दिसंबर 2021 तक गुरु ग्रह अपने नीच भाव मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर राशि का गुरु प्रत्येक राशियों पर, आपके राशि पर क्या प्रभाव देगा, क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिए, जिसका मेष राशि है उसके लिए मकर राशि का गुरु भाग उदय में रुकावट लाएगा, मानसिक तनाव देगा। जिसका वृषभ राशि है उसके लिए भागदौड़ अधिक कराना, खर्च अधिक करवाना, बने काम में रुकावट। मिथुन राशि के लिए मकर राशि का गुरु पारिवारिक तनाव देगा, शत्रु पैदा करेगा, उन्नति में रुकावट देगा। कर्क राशि वालों के लिए मकर राशि का गुरु स्वास्थ्य में गड़बड़ी लाएगा, पारिवारिक विवाद कराएगा, अकारण खर्च कराएगा। सिंह राशि वालों के लिए मकर राशि का गुरु शिक्षा में रुकावट, उन्नति में रुकावट, गुप्त शत्रु पैदा करता है। कन्या राशि वालों के लिए मकर राशि का गुरु केस मुकदमा लड़ना, अधिकारियों से विवाद होना, व्यापार में घाटा होना। तुला राशि वालों के लिए मकर राशि का गुरु शादी विवाह में रुकावट लाना, स्वास्थ्य में गड़बड़ी होना, पति पत्नी में विवाद कराना, दौड़ धूप अधिक कराना। वृश्चिक राशि वालों के लिए मकर राशि का गुरु हड्डी संबंधी रोग देना, संतान की उन्नति में रुकावट देना, मेहनत का सही लाभ न मिलना। धनु राशि वालों का के लिए मकर राशि का गुरु पदोन्नति में रुकावट, व्यापार में घाटा, नया व्यापार में रुकावट, राजनीति में असफलता। मकर राशि वालों के लिए कर्जदार बना देना, व्यापार में करोड़ों का घाटा, अपने मित्रों से विवाद, सरकार से केस मुकदमा डरना। कुंभ राशि वालों के लिए निर्माण कार्य में रुकावट, मकान सुख में बाधा, भाई बंधुओं से विवाद, अचानक दुर्घटना होने का योग। मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी, खुद के स्वास्थ्य में गड़बड़ी, अकारण धन फंस जाना, दिए हुए धन की प्राप्ति न होना, अकारण विवाद होना, अकारण मानसिक तनाव होना। ये छोटा सा अब प्रत्येक राशि का मैंने बताया, इसको सुनिए। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहता है तो मुझसे संपर्क करिए। मैं आपको फीस देना होगा, अगर मैं पूछ लेंगे, फीस अगर देंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। एक बार मोबाइल नंबर और सुन लीजिए,
मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए छोटा सा वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।